Today we are going to do some theorems based on infinite series. First result is the convergence, divergence or oscillation. Convergence, divergence or oscillation behavior of an infinite series. Behavior of an infinite series remains unaltered you can say, or unchanged by the addition चाहे हम addition करें चाहे हम omission करें, मतलब कुछ terms को remove कर दें, और alteration of first finite. पीछे आवाज कौन कर रहा है? Please mute yourself. Of first finite number of terms of the series. क्या result है ये कि अगर आपके पास कोई भी given series है उसकी convergence, divergence या oscillation behavior पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम उस series की first finite number of terms में कुछ terms add कर दें finite number of terms या omit कर दें, यानी कि first finite number of terms को omit कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम चेंज कर दें, ऑल्टर का मतलब क्या है, चेंज कर दें, ठीक है, तब भी उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस या ऑसिलेटरी बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मींस आफ्टर चेंजिंग, आफ्टर एडिंग सम टर्म्स और आफ्टर ओमिटिंग सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और आफ्टर चेंजिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स द बिहेवियर ऑफ द सीरीज रिमेन्स सेम. कि अगर सीरीज पहले कन्वर्जेंट है तो कुछ टर्म्स ऐड करने पे या ओमिट करने पे या उनको चेंज करने से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को, फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को, वो सीरीज भी क्या रहेगी, जो नई सीरीज आएगी वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज. और अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये सारी चीज़ों में से कुछ भी करें तब भी सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट. ओके, और इसी तरह से अगर सीरीज ऑसिलेटरी है तो बाय एडिशन, ओमिशन और ऑल्टरेशन ऑफ फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद जो सीरीज आएगी वो भी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी. ठीक है, सो दिस यू हैव टू प्रूव. हाउ विल यू प्रूव इट? लेट अ सीरीज, सपोज मान लेते हैं सिग्मा ए एन इज एन इनफाइनाइट सीरीज. ठीक है, अब हम सीरीज की कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, किसी भी तरह का जो बिहेवियर है वो कैसे चेक करते हैं? दैट डिपेंड्स अपॉन इट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. तो हम इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना लेते हैं एस एन, वेयर एस एन इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू एंड सो ऑन अप टू ए एन. ठीक है, एंड वी नो दैट ए एन सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो ऑब्वियसली जो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये सीक्वेंस भी क्या करेगा, कन्वर्ज. कन्वर्ज करने का मतलब इसकी लिमिट क्या आएगी, अ फाइनाइट नंबर. ठीक है, और अगर ये सीरीज डाइवर्ज करती है इसका मतलब ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी डाइवर्ज करता है. डाइवर्ज करने का मतलब दिस लिमिट एल इज आइदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, कन्वर्जेंट के केस में फाइनाइट आएगी ये लिमिट, और अगर डाइवर्जेंट है इसका मतलब ये लिमिट क्या आएगी, आइदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. और अगर ऑसिलेटरी है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये फाइनाइट लिमिट नहीं आएगी हमारे पास, ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन टू वैल्यूज या मोर देन टू वैल्यूज. ठीक है, एस एन जो है वो ऑसिलेट करेगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज, फाइन. सो अब हमने कहा कि हम एक नई सीरीज बनाएंगे, या नई सीरीज किस तरह से बना रहे हैं कि जो हमारे पास गिवन सीरीज थी उसमें हम या तो कुछ टर्म्स फाइनाइट नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऐड कर दें या कुछ टर्म्स को ओमिट कर दें और या फिर हम उनमें कोई टर्म्स अल्टर कर दें. मैं इनमें से एक तरीके से आपको करके बताऊंगी, बाकी सेम. ठीक है, अगर सपोज मैंने ए एन में से फर्स्ट कुछ टर्म्स को रिमूव कर दिया, सपोज मैंने फर्स्ट एम टर्म को ओमिट कर देते हैं. ठीक है, अगर ओमिट किया तो हमने ये सीरीज किस तरह से बनाई, इसमें जो बी वन है दैट इज नथिंग योर ए एम प्लस वन एंड बी टू इज योर ए एम प्लस टू. हमने फर्स्ट एम टर्म्स को रिमूव कर दिया तो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या बन गई, ए एम प्लस वन.
सेकेंड टर्म क्या बन गई, ए एम प्लस टू, एंड सिमिलरली आपकी एन एथ टर्म क्या बन जाएगी, ए एम प्लस एन। ठीक है, तो अब ये जो सीरीज बनी ये क्या बनी, दैट इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू एंड सो ऑन अप टू बी एन एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे चेक करना है बेसिकली कि क्या इन दोनों सीरीज का बिहेवियर जो है वो सेम होगा या नहीं, क्योंकि दिस इज अ सीरीज विच वी ऑब्टेन बाय ओमिटिंग सम टर्म्स फ्रॉम दिस सीरीज, फर्स्ट फ्यू टर्म्स, फर्स्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव रिमूव्ड फ्रॉम दिस। ठीक है, अब अलग अलग केसेस कंसिडर करते हैं। सपोज सिग्मा ए एन सीरीज जो है दैट इज कन्वर्जेंट, अगेन बिफोर डूइंग दिस इस सीरीज का बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे। तो इस सीरीज का भी हम पहले सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना लेते हैं। सपोज दैट इज इक्वल टू एस एन डैश, और एस एन डैश किसके इक्वल होगा, दैट इज बी वन प्लस बी टू एंड सो ऑन अप टू बी एन। और बी वन क्या है, दैट इज ए एम प्लस वन, बी टू क्या है ए एम प्लस टू, और बी एन क्या है ए एम प्लस एन। ठीक है, अब इसमें मुझे इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम और इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में रिलेशन बनाना है किसी तरह से। उसके लिए क्या करूँगी, मैं इस टर्म में ए वन ए टू अप टू ए एम ऐड कर देती हूँ। अगर मैंने ऐड किया है तो ऑब्वियसली तो इसी में हम माइनस ऑफ ए टू एम। सो नाउ व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग बट सम ऑफ द सीरीज ए एन अप टू फर्स्ट एम प्लस एन टर्म्स, विच इज नथिंग बट एस ऑफ एम प्लस एन। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में इसमें एम प्लस एन एथ टर्म क्या होगी, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द सीरीज ए एन स्टार्टिंग फ्रॉम ए वन से लेकर ए एम प्लस एन तक। सो इट इज नथिंग बट एस ऑफ एम प्लस एन माइनस, ओके ये क्या वैल्यू है, ए वन से लेकर ए एम तक का सम क्या होगा, दैट इज एस एन। क्या कहा हमने, जो एस एन डैश है दैट इज इक्वल टू एस ऑफ एम प्लस एन माइनस एस एम। अब एस एम क्या था, दिस इज नथिंग बट ए वन प्लस ए टू अप टू ए एम। जब ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हैं और इस सीरीज की टर्म्स हैं ये, तो इन टर्म्स का जो सम होगा वो भी क्या आएगा, फाइनाइट। इसका मतलब जो एस एम है वो तो फाइनाइट नंबर है, एंड जब ए एन सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी क्या करेगा, कन्वर्ज। तो इट मीन्स दिस वैल्यू इज फाइनाइट एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब हम किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बात करते हैं तो हम उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को चेक करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं। तो इसका मतलब आई नीड दिस वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस ऑफ एम प्लस एन माइनस एस एम। जब ये वैल्यू ही फाइनाइट है तो इसके ऊपर तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, एंड सिंस एस एन इज कन्वर्जेंट देयर फोर दिस वैल्यू इज ऑल्सो फाइनाइट। इट मीन्स दिस टोटल वैल्यू इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर, देयर फोर दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन डैश कन्वर्जेस। और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है तो ऑब्वियसली जो सीरीज है इसके कॉरस्पॉन्डिंग दैट विल ऑल्सो कन्वर्ज। इट मीन्स अगर ए एन कन्वर्जेंट थी, उसमें से कुछ टर्म्स को अगर हमने ओमिट कर दिया, तब जो सीरीज बनी वो सीरीज भी क्या आई, कन्वर्जेंट। नाउ सेकेंड केस इज इफ ए एन इज डाइवर्जेंट। अगर ये सीरीज डाइवर्ज करती है तो हमें चेक करना है कि सिग्मा बी एन का बिहेवियर कैसा होगा। अगर ये सीरीज डाइवर्ज करती है तो या तो ये इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी या माइनस इन्फिनिटी पे, तो इसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की जो लिमिट होगी वो आइदर इन्फिनिटी होगी और माइनस इन्फिनिटी होगी। अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है तो ऑब्वियसली एस ऑफ एम प्लस एन भी किस पे जाएगा, आइदर गोज टू इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा, और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम माइनस इन्फिनिटी पे जा रही है वैल्यू, तो ये भी कहाँ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पे। एंड वी नो एस एम इज फाइनाइट, वो तो फाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ एस एन डैश एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दैट इज एस ऑफ एम प्लस एन की लिमिट माइनस एस एम, इस चीज की लिमिट। नाउ इट इज अ फाइनाइट नंबर, इसके ऊपर
एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस ओनली एस एन. एंड वॉट इज दिस? दिस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी में से एक फाइनाइट नंबर अगर सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा तो दैट इज अगेन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. सो वी कैन से द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. और अगर ये माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली ये भी किस पे अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी पे. इट मीन्स दैट वी कैन से दैट लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन डैश इज आइदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डिपेंडिंग अपॉन एट विच दिस सीक्वेंस डाइवर्जेस. ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी प्लस या माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है तो ऑब्वियसली जो ये सीरीज है वो भी क्या होएगी? डाइवर्जेंट. सो व्हाट वी फाइनली गेट, इफ ए एन इज डाइवर्जेंट देन बी एन इज ऑल्सो डाइवर्जेंट. मीन्स इफ यू रिमूव सम टर्म्स, फर्स्ट फ्यू टर्म्स फ्रॉम द सीरीज, देन द फाइनली वट वी ऑब्टेन दैट सीरीज ऑल्सो डाइवर्जेंट. फाइन. थर्ड केस इज वेन सिग्मा ए हैज एन ऑसिलेटिंग बिहेवियर. ठीक है, अगर ये ऑसिलेट करती है, इसका बिहेवियर किस टाइप का है? ऑसिलेटिंग. उस केस में क्या होगा? उस केस में ऑब्वियसली ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो एस एन है इसकी वैल्यू ना तो फाइनाइट आएगी, ना इन्फिनिटी आएगी, ना माइनस इन्फिनिटी आएगी, बट ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन एनी नंबर ऑफ वैल्यूज. ठीक है, अगर ये ऑसिलेट करता है तो ऑब्वियसली एस ऑफ एम प्लस एन भी ऑसिलेट करेगा. और अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, इसमें से हम एक फाइनाइट वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तब भी जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा. ठीक है, इट मींस जो हमारे पास एस एन डैश है वो क्या है? एस ऑफ एम प्लस एन माइनस एस एम. इट मींस जो एस एन डैश है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी क्या करेगा? ऑसिलेट. और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेट करता है तो ऑब्वियसली जो सीरीज है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दैट विल ऑल्सो ऑसिलेट. फाइन, इट मीन्स अगर ए एन सीरीज ऑसिलेट करती है तो जो ये बी एन सीरीज आएगी हमारे पास वो भी क्या करेगी? ऑसिलेट. सिमिलरली यू कैन चेक इफ यू एड सम टर्म्स देन सिर्फ ये एस एम एन डैश की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. ठीक है, वो कैसे चेंज हो जाएगी? मैं जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ, बट आपने इसको खुद से सॉल्व करना है. आगे क्या कर सकते हो? अगर हम कुछ टर्म्स को ऐड करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी सीरीज क्या थी? ए एन सीरीज. सपोज मैंने इसमें फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऐड कर दी, सी वन सी टू अप टू सी के, देन व्हाट विल बी द सीरीज? बी एन. क्या बनेगी वो? बी वन की वैल्यू इज नथिंग बट सी वन, बी टू इज नथिंग बट सी टू, अप टू बी के तो ये आएगा, बट बी के प्लस वन इज ए वन, बी के प्लस टू इज ए टू, एंड सो ऑन. ठीक है, एंड सो ऑन. तो इसका मतलब अगर मैं एस एन डैश अब निकालती हूँ तो वो क्या आएगा? दैट इज नथिंग बट बी वन प्लस बी टू एंड सो ऑन अप टू बी एन. इसमें कहीं बीच में बी के भी आएगा. फाइन, अब ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल हैं? सी वन प्लस सी टू एंड सो ऑन अप टू सी के. एंड व्हाट इज दिस? इट इज ए वन प्लस ए टू अप टू ए ऑफ एन माइनस के. Fine. So it is what? It is Sn minus k, and this is a finite number. इसको हम कुछ भी capital K या कुछ भी number मान लो कि sum of finite terms है, finite values का sum है, तो वो एक constant k आ जाएगा. The difference is वहाँ पर Sm plus n minus Sm था, और Sm क्या था? Finite था. यहाँ पर plus हो गई value, और जो value plus हो रही है, add हो रही है, वो भी क्या है? Finite. अगेन इसका जो बिहेवियर होगा वो डिपेंड करेगा इसके बिहेवियर के ऊपर. ठीक है, तो अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज डाइवर्ज या ऑसिलेट करता है तो सिमिलरली इसका भी बिहेवियर वही होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि अगर कोई सीरीज में हम कुछ टर्म्स को फर्स्ट फ्यू टर्म्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो पहले वाली कुछ टर्म्स हैं उनको आप लीव भी कर सकते हो, उनमें कुछ ऐड भी कर सकते हो या कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, तब भी आपकी सीरीज पे कोई उनके बिहेवियर पे इफेक्ट नहीं पड़ता. अच्छा, ए एन और बी एन सीरीज है आपके पास, तो इफ सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन कन्वर्जेस टू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है ए पे एंड बी एन सीरीज कन्वर्ज करती है बी पे एंड के इज एनी रियल नंबर, देन
अगर हम इस सीरीज के सारे एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें देन जो सीरीज आएगी दैट विल आल्सो कन्वर्ज एंड इट कन्वर्जेस टू के ए। एंड अगर दो सीरीज कन्वर्जेंट हैं तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा और उनका डिफरेंस उन दोनों सीरीज के अगर मैं डिफरेंस से नई सीरीज बनाऊं तो वो जो सीरीज बनेगी दैट इज आल्सो कन्वर्जेंट। सम ऑफ दीज टू सीरीज विल कन्वर्ज टू ए प्लस बी वेयर ए इज द पॉइंट वेयर ए एन कन्वर्जेस एंड बी इज द पॉइंट वेयर सीरीज बी एन कन्वर्जेस। सिमिलरली ए एन माइनस बी एन कहाँ कन्वर्ज करेगा ए माइनस बी पे। सबसे पहले हमें किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की बात करनी हो तो हम क्या लेते हैं उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, तो अब ए एन सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हम डिनोट कर लेते हैं एस एन से और बी एन सीरीज का सपोज जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है दैट विल बी डिनोट एज एस एन डैश। फाइन, सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए के टाइम्स ए एन सीरीज को मुझे चेक करना है कि अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है ए पे तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी या इसका बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, अब इसका भी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेना है तो आई डिनोट दिस एज सपोज योर बी ऑफ एन, कैपिटल बी ले लिया इसके। फाइन, नाउ व्हाट इज योर बी एन, दैट इज नथिंग बट के टाइम्स ए वन प्लस के टाइम्स ए टू एंड सो ऑन अप टू के टाइम्स ए एन। फाइन, सो वी कैन राइट इट एज k टाइम्स a1 वन प्लस ए टू एंड सो ऑन अप टू ए एन। हम ये सारी सीरीज रियल नंबर्स में बात कर रहे हैं और रियल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, सो वी कैन राइट इट एज दिस। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या वैल्यू आई, इट इज k टाइम्स दिस इज नथिंग बट एस एन, ए वन ए टू अप टू ए एन का सम जो है दैट इज बट एस एन। फाइन, नाउ इफ द सीरीज ए एन converges to A, it means limit n approaches to infinity of Sn is nothing but A. So now, what will be the limit n approaches to infinity of Bn? This is equals to limit n approaches to infinity of K times Sn. K is independent of n, so we can take it outside. It is limit n approaches to infinity of Sn. The value kya hai? K into A. It means this sequence of partial sum converges to this point. It means हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ये सीरीज है वो कहाँ कन्वर्ज करेगी, k into a पे, because bn क्या था, this is nothing but sequence of partial sum of this series. ठीक है, bn is not equal to this, bn is sequence of partial sum of this series. तो bn को हम कैसे लिखेंगे, this is sequence of partial sum of this series. ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिजल्ट वी हैव टू प्रूव दैट इफ ए एन एंड बी एन बोथ आर कन्वर्जेंट देन देयर सम से जो सीरीज आएगी दैट विल ऑल्सो कन्वर्ज टू ए प्लस बी। नाउ वी सपोज दैट द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज इज सी एन। ठीक है, इट मीन्स योर सी एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस बी वन ए टू प्लस बी टू, फर्स्ट टर्म ली हमने सीरीज की then second term and so on up to nth term. अब again ये सारे real numbers हैं तो हम इनको commute करते हैं आपस में, commute का मतलब we can write any two real numbers का sum as a plus b is equals to b plus a. ठीक है, तो we can write it as a1 plus a2 plus b1 plus b2 and so on. जब ये सारे आपस में कम्यूट करते हैं तो इसका मतलब हम ए आईज को अलग कर सकते लिख सकते हैं और प्लस वी कैन राइट द सम ऑफ बी एल्स। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर एस एन एंड व्हाट इज दिस, इट इज इक्वल टू एस एन डैश, है ना। तो इट मीन्स अगर हमारी ये सीरीज ए पे कन्वर्ज, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ए पे कन्वर्ज कर रहा है और ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बी पे कन्वर्ज कर रहा है तो इट मींस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन इज ए एंड लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन डैश इज बी। देन व्हाट विल बी द लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ सी एन,
दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन प्लस एस एन डैश. अब इसको अलग अलग कर दो, लिमिट एस एन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन डैश. इसकी वैल्यू कितनी है ए एंड नेक्स्ट इज बी. दिस इज इक्वल्स टू ए एंड दिस इज इक्वल टू बी. इसका मतलब इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट क्या आई ए प्लस बी. और यू कैन से दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जिस टू ए प्लस बी. और ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था किसका, समीशन ए एन प्लस बी एन, इस सीरीज का था. तो इसका मतलब ये सीरीज भी कहाँ कन्वर्ज करेगी, ए प्लस बी पे. नाउ अगर माइनस की बात करें तो सिर्फ इस क्वेश्चन में फर्क कहाँ आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, है ना. लेट्स डू दैट ऑल्सो. नाउ इफ वी टेक द सीरीज ए एन माइनस बी एन एंड सपोज इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज सम डी एन. सो डी एन इज नथिंग बट ए वन माइनस बी वन प्लस ए टू माइनस बी टू एंड सो ऑन अप टू ए एन माइनस बी एन. एंड अगेन कॉम्बिटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से हम ए आई इसको इकट्ठा कर सकते हैं एंड बी आई इसको कंबाइन कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो टेक माइनस वन कॉमन. वी कैन राइट इट लाइक दिस. सो इट इज नथिंग बट एस एन माइनस एस एन डैश. नाउ दिस कन्वर्जेस टू ए एंड दिस कन्वर्जेस टू बी. Therefore, limit n approaches to infinity of dn is nothing but इसकी limit आएगी a और इसकी limit क्या आएगी b. So this sequence of partial sum converges to a minus b. Therefore, this series sigma an minus bn will also converge to a minus b. And this you have to prove. Fine. Now next result is if an series converges to a and series bn diverges to infinity or minus infinity, then the series an plus bn also diverges to infinity or minus infinity. क्या result है, अगर आपके पास एक series है sigma an, that series converges to any finite number a and you have another series which diverges to infinity और माइनस इन्फिनिटी, देन जो इन दोनों सीरीज के सम से अगर हम नई सीरीज बना दें, देन ये जो सीरीज आएगी ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज. अगर ये बी एन सीरीज इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है तो ये सम वाली सीरीज भी इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी, और अगर ये सीरीज माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करती है तो सम वाली सीरीज कहाँ पे डाइवर्ज करेगी, माइनस इन्फिनिटी पे. दिस यू हैव टू प्रूव. नाउ हाउ विल यू प्रूव इट, जब भी हम सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, उसके सीरीज की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाते हैं, है ना. तो वी कंसीडर एस एन इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज सिग्मा ए एन एंड एस एन डैश इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज सिग्मा बी एन. ठीक है, अब ए एन कन्वर्जेस टू ए, सीरीज ए एन कन्वर्जेस टू ए, इट मीन्स दिस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ दिस एस एन इज इक्वल्स टू ए. और ये सीरीज डाइवर्ज करती है, इसका मतलब इसकी लिमिट क्या आएगी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट क्या आएगी इसके, दैट गोज टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, डिपेंडिंग अपॉन कि ये सीरीज इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करती है या माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, अब हम लेते हैं कौन सी सीरीज, सिग्मा ए एन प्लस बी एन. नाउ इस सीरीज के भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सीरीज का भी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेंगे. सो वी टेक सी एन एज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज विच इज इक्वल्स टू ए वन प्लस बी वन प्लस ए टू प्लस बी टू एंड सो ऑन अप टू ए एन प्लस बी एन. ठीक है, अब हमें पता है जैसे हमने पीछे किया था, दिस कैन बी रिटन एज ए वन प्लस ए टू एंड सो ऑन अप टू ए एन प्लस b1 plus b2 and so on up to bn. हम इसको commutative property लगा के ai इसको combine कर सकते हैं और bi इसको भी combine कर सकते हैं. So now what is this? It is nothing but sn and what is this? This sum is sn dash. It means cn is equals to sn plus sn dash. तो अब अगर हम इसकी limit check करें तो वो क्या होगी? Limit of the cn when n approaches to infinity is nothing but limit of this sn and प्लस एस एन डैश वेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. नाउ दिस इज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन डैश. फाइन, ये लिमिट तो फाइनाइट है.
और ये लिमिट या तो इन्फिनिटी पे जाएगी या माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी। अगर इस लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में हम थोड़ी सी वैल्यू ऐड भी कर देंगे, तब भी ये टोटल लिमिट कितनी बनेगी? इनफाइनाइट। एंड इफ लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी एंड वी एड अ लिटिल अमाउंट, अ फाइनाइट नंबर इन इट, देन द लिमिट विल बी माइनस इन्फिनिटी। इट मीन्स इस टोटल की जो लिमिट है या तो इन्फिनिटी आएगी या माइनस इन्फिनिटी आएगी। इसका मतलब जो हमने ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाया सी एन, दिस आइदर डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी और इट डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज करता है तो ये जिस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो सीरीज भी क्या करेगी? डाइवर्ज। और कहाँ डाइवर्ज करेगी? आइदर टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ देर इज वन रिमार्क, दैट इज इफ ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी एंड बी एन डाइवर्जेस, बी एन सीरीज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। अगर एक सीरीज इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है और एक सीरीज माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है, देन इनके जो दोनों के सम से सीरीज बनेगी दैट मे कन्वर्ज, दैट मे डाइवर्ज एंड डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी भी हो सकता है और डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। ठीक है, अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है और दूसरी सीरीज डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे, तो हमने पीछे वाला रिजल्ट किया कि जो उनके सम से सीरीज बनेगी दैट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, बट नाउ वी आर डूइंग दैट इफ ए एन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी एंड बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस सम विल ऑल्सो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। तब बी एन पे डिपेंड नहीं करेगा, तब उस केस में ये सम जो है वो कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है, और डाइवर्ज इन्फिनिटी पे भी कर सकता है और माइनस इन्फिनिटी पे भी डाइवर्ज कर सकता है। फाइन, नाउ इन इस तरह की चीज़ों को हमें दिखाने के लिए क्या शो करना है? एक एग्जांपल दिखाना है। सो वी टेक द सीरीज ए एन, फर्स्ट वी टेक द सीरीज ए एन एज सिग्मा एन, वी नो दैट दिस सीरीज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, है ना। एंड अगर मैं बी एन सीरीज ले लेती हूँ सिग्मा माइनस ऑफ एन, वी ऑल नो दिस सीरीज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब ए एन सीरीज डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी पे, बी एन डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी पे, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट व्हाट इज योर ए एन प्लस बी एन, दैट इज नथिंग बट एन प्लस माइनस ऑफ एन विच इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स योर सीरीज ए एन प्लस बी एन इज नथिंग बट जीरो सीरीज, जिसकी हर टर्म क्या होगी? जीरो, एंड दैट सीरीज ऑब्वियसली कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू जीरो, है ना। तो हमने क्या दिखा दिया कि ए एन डाइवर्ज करती थी इन्फिनिटी पे, बी एन डाइवर्ज करती थी माइनस इन्फिनिटी पे, पर जो उनका सम आया वो कहाँ कर क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, और कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? जीरो। फाइन, नाउ सेकेंड पार्ट, ऐसा भी हो सकता है कि जो सम आए वो डाइवर्ज करे, तो उसके लिए भी एग्जाम्पल देते हैं। लेट ए एन इज इक्वल्स टू sigma of 5n and bn is equals to sigma of minus of 2n. Again an जो है वो क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे, है ना। ये भी क्या करती है? इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। एंड bn सीरीज जो है वो क्या कर रही है? दैट इज ऑल्सो डाइवर्जेंट एंड इट डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। नाउ वट अबाउट दिस सम 5n minus 2n, it means it is 3n. तो अब जो हमारी सीरीज बनी ए एन प्लस बी एन, दैट इज अ सीरीज दैट इज समीशन 3n. एंड वी ऑल नो दैट दिस सीरीज ऑल्सो डाइवर्जेस एंड इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दोनों सीरीज डाइवर्ज कर रही है एक इन्फिनिटी को और एक माइनस इन्फिनिटी को, तो जो सम आएगा वो कन्वर्ज ही करेगा, वो डाइवर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज इन्फिनिटी पे भी कर सकता है, डाइवर्ज माइनस इन्फिनिटी पे भी कर सकता है। सो नाउ टेक एन एग्जाम्पल जिसमें हमारी जो सम है वो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करे। नाउ इफ आई टेक द ए एन सीरीज एज 2n एंड बी एन सीरीज एज माइनस ऑफ 5n, ठीक है, अब जो सम आएगा वो क्या होगा? दैट इज नथिंग बट 2n माइनस 5n विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3n।
एज वी नो ए एन सीरीज डाइवर्ज करती है टू इन्फिनिटी एंड बी एन सीरीज ऑल्सो डाइवर्जिस टू माइनस इन्फिनिटी, बट जो हमारे पास सम वाली सीरीज आई सिग्मा ए एन प्लस बी एन, दैट सीरीज इज समीशन ऑफ माइनस थ्री एन एंड इट डाइवर्जिस टू माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक सीरीज डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी पे, एक माइनस इन्फिनिटी पे, तो उन दोनों सीरीज का सम कन्वर्ज भी कर सकता है और डाइवर्ज इन्फिनिटी पे भी कर सकता है. ठीक है, डाइवर्जन इन्फिनिटी पे भी हो सकता है एंड डाइवर्ज माइनस इन्फिनिटी पे भी कर सकता है. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.